हेलो एवरीवन हाँ जी बच्चे एक बात बताओ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर ली है आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके हैं अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने एग्जाम के टाइम पर कैसे पेपर को टैकल कर रहे हैं कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी अपनी जो हम अपने पास क्लास में भी बात करते हैं मैं उसको एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली भी पेपर कर सकते हो या अगर आप चाहते हो तो इसमें थोड़ा मोड़ा चेंज भी कर सकते हो ठीक है तो एक बात बहुत ध्यान रखना कि जब आपको पेपर मिला आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं वो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको डिस्क्रिप्टिव वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ना है मतलब आपके पास में एक एमसी है जिसको आपको थर्टी मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है थर्टी मार्क्स का एमसी का शीट है और आपके पास सेवेंटी मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है राइट तो आप सबसे पहले क्या करो अपने इस फिफ्टीन मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए और उस क्वेश्चन पेपर में से आप कोई से तीन क्वेश्चंस बट प्लीज कौन से वाले तीन क्वेश्चंस जो आपको सबसे अच्छी तरह से करने आते हैं आप वो वाले तीन क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लीजिए राइट right? आप सबसे पहले यही वाले तीन क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर करेंगे अटेम्प्ट जो आपका फोर्टी टू मार्क्स का पेपर है ये 42 मार्क्स का पेपर सबसे अच्छा अपना प्रेजेंट करो आप कीवर्ड्स मार्किंग करोगे कीवर्ड्स को साथ साथ में अंडरलाइन करते चले जाओगे okay? साथ साथ अंडरलाइन करना प्लीज बात के लिए मत रोक करके रखना बाद में कई बार टाइम नहीं मिलता है आपको राइट right? आप अगर कहीं पे कोई लिमिट्स है मान लो तो कोई इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन आया उसके अंदर कोई लिमिट्स है आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए आप की को अंडरलाइन कीजिए आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो आप उसके आंसर के अंदर ऐसे का नंबर लिखिए आप उसके अंदर अच्छी तरह से उसका नाम लिखिए उसको अंडरलाइन कीजिए आपको एग्जामिनर को शो करना है कि यस यू नो द थिंग्स आपको सारे कीवर्ड्स पता आप उसको कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए तो जैसे हम लोग अपनी कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते क्लासेस करते हुए उसी तरह से आप अपनी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे ये नहीं कि पूरा पूरा लाइन आप अंडरलाइन कर दीजिएगा जस्ट द कीवर्ड थिंग ठीक है अगर आप पॉइंट वाइज बना रहे हैं आप पॉइंट वाइज आंसर्स बनाइए जैसे एडवांटेजेस वाले हो गए क्वेश्चन या आपके पास में जहां पे आपको फैक्टर्स लिखने होता है तो वहां पे तो आप पॉइंट वाइज ही बनाकर चलेंगे केस स्टडी के अंदर या तो आप वही जैसे हम स्मॉल पैराग्राफ्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं वैसे करके कीजिए या आप उसको भी पॉइंट वाइज बना सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है वैसे केस स्टडी के अंदर वही की प्रोविजन फिर उसके बाद केस उसका एनालिसिस प्रेजेंट केस में क्या हुआ और कंक्लूजन वाली चीज हम जितने केस स्टडीज स्टैंडर्ड्स बेस्ड है उसके हिसाब से करेंगे तो जैसे आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हुए ऑलरेडी उसी तरह से अपना प्रेजेंटेशन दीजिए

मैं पर्सनली एम को मिडिल में लेकर के जाना पसंद करती हूँ बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप एम को सबसे शुरू में भी उठा सकते हो कि सबसे शुरू के 40 मिनट्स के लिए आपने एम को इकट्ठा करके खत्म कर दिया मुझे पर्सनली बीच में एम करना इस वजह से पसंद रहता है क्योंकि थियोरी का पेपर है अब आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो आपको सब कुछ चीजें लिखनी है और आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है तो क्या होता है हम ना कई बार लिखते लिखते थक जाते हैं तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमें थोड़ा लिखने से मिल जाता है।, MCQs में तो भाई टिक ही करना है ना आप लोगों को तो वो हाफ एन आवर या वो फोर्टी मिनट्स जो हमको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है लिखने से हम केवल टिक करते हैं हमारा दिमाग ज्यादा चलता है क्योंकि हमको पढ़ना बहुत ध्यान से होता है बट बिकॉज हम लोग उसको टिक कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम कंटिन्यूअस नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हमको जब रेस्ट मिल जाता है राइटिंग से तो हम आगे के पेपर में भी हमारी राइटिंग थोड़ी बेटर हो जाती है जब हम एमसीक्यू के बाद में रिमेनिंग वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ जाते हैं तो एमसीक्यू में यू एक्चुअली नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब आपको बहुत ध्यान देकर के उसको पढ़ने की जरूरत होती है बस उसको पढ़ने में बहुत अच्छे से दिमाग लगाइए आप और अगर तुमने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट किए हुए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो प्लीज डोंट वरी यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन दैट अब आप एक बात ये देखो कि आपका तकरीबन तकरीबन लाइक यू you नो know, टू आवर एंड टेन अराउंड आपका खत्म हो गया होगा या टू आवर एंड ट्वेंटी भी हो सकता है आपके पास खत्म हो गया हो so, सो इससे मगर आपने जो अपना पेपर कर लिया है वो आपने बहुत अच्छे से पेपर कर लिया अपना सेवेंटी टू मार्क्स का तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जो दो क्वेश्चन आपके बचे भी हैं लाइक यू नो कि आपके पास जो 28 मार्क्स के दो क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए भी आपके पास में आराम से लाइक 45 मिनट्स टू के करीब करीब आपके पास में निकल जाता है है ना तो बस इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि हाँ इतना टाइम है अभी मेरे पास में एंड देन अब आप वो रिमेनिंग वाला पेपर करना स्टार्ट करो उसमें भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो कहीं पर क्या होता है लास्ट तक आते आते हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम बचता है लास्ट के पांच मिनट मुझे लगता है एक बार चीजों को ना चेक करने के लिए रख लेना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है हाँ चलो मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा शीट ली थी तो उसको मैंने टाइट ठीक से कर दिया है या नहीं कर दिया है इस तरह की चीजों के लिए तो है क्या अगर आपको लास्ट में लगता है कि नहीं आप पेपर नहीं कर पा रहे हैं पूरा आपको आता पूरा है मगर आपको लिखने के लिए टाइम कम मिल पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम कर दो आप में लिख दो, कीवर्ड सारे के सारे लिख दो तो अगर कोई आप फोर मार्क का क्वेश्चन भी करोगे इस तरह से तो आपको वो यू नो अगर आपने की सारे लिख दिए, एक्सप्लेनेशन कम कर दिया लास्ट में जाकर के कई बार जब टाइम कम रहता है तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे उसके अंदर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो अगर पेपर आता है तो उसको छोड़ो नहीं तो ऐसे करेंगे तो पेपर भी पूरा होगा और बहुत अच्छी तरह से आप अपने मार्क्स स्कोर करेंगे जस्ट हैव कॉन्फिडेंस देखो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम पॉजिटिव एटीट्यूड से अचीव नहीं कर सकते राइट right, पेपर है अगर देखो कई बार क्या होता है शुरू में मैं क्यों बोलती हूँ कि आप आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं वो वाले क्वेश्चन कीजिए अगर आप शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन आप कहते हो चलो मैं ना क्वेश्चन नंबर वन करता हूँ फिर उसके बाद टू करता हूँ फिर थ्री करता हूँ और मान लो आपको क्वेश्चन नंबर वन बहुत अच्छे तरह से नहीं आता उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट part, तो हमारे ना दिमाग पे वही एक पर्टिकुलर पार्ट part हावी हो जाता है दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग हमें लगता है नहीं ये क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से नहीं आ रहा है तो जो पेपर मुझे अच्छा आ रहा होता है उस पर भी मेरा उतना अच्छा होल्ड नहीं रह पाता तो दैट इज द रीजन कि स्टार्टिंग में अगर हम अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को दिखाएंगे स्टार्टिंग में हम अपना जो हमें बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं सबसे अच्छी तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे राइट right? तो इससे हमारा खुद का जो यू you नो know, खुद का हमारा जो मॉरल है वो बूस्टअप होएगा और हम आगे का पेपर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसी वजह से मैं बोलती हूँ सबसे पहले सबसे अच्छा जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनकी तरफ आप ज्यादा ध्यान लगाइए और पता है होता क्या है जैसे आपके टू आवर्स के लगभग लगभग होने वाले होते हैं और आपको पता चलता है आपने 72 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है तो हमारे दिमाग पे एक पॉजिटिव सा इम्पैक्ट आता है राइट तो हम जो रिवीलिंग पेपर है वो भी ना आपके बस अब तो बचा ही कितना है जरा सा तो बचा है दैट्स तो इट और हम वो भी बहुत अच्छी तरह से करते चले जाते हैं So, देखो इट्स अ माइंड गेम अपने माइंड में निगेटिविटी को बिल्कुल हावी मत होने देना एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स बहुत अच्छे से आप लोग मार्क्स लेकर के आओगे ठीक है गॉड ब्लेस यू बेटा